आज हम बनाएंगे लौकी की स्वादिष्ट टिकिया जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर लिए मैंने एक मीडियम साइज की लौकी, इसको छील कर इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। एक कटोरी चने की दाल को मैंने अच्छे से धोकर 4 घंटे पहले पानी में गला लिया था। आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है। तो यहाँ पर हमने दाल को कुकर में सीझने के लिए डाल दिया है और इसी में हम लौकी भी डाल देंगे। अभी हम इसमें यहाँ पर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच लगभग जीरा डाला है, नमक स्वाद अनुसार, 2 साबुत लाल मिर्च, 4-5 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग, 1 इलायची ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, दालचीनी लगभग 1/2 इंच का टुकड़ा, थोड़ी सी अजवाइन। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल थोड़ा ही पानी यूज़ करना है, बस इसे हमें हल्का सा कुक करना है। देखिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम ढक्कन बंद करके 2 सीटी ले लेंगे। देखिए दाल और लौकी अच्छे से सीझ गई है। इन्हें हमें इतना ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा और कुक नहीं करना है। अभी इन्हें हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है। देखिए दाल और लौकी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पोहे। तो यहाँ पर हमने 3-4 चम्मच पोहे को पानी में गला लिया था 1 घंटे पहले और ये अच्छे से फूल गए हैं। ये बाइंडिंग के लिए है, इससे हमारी टिकिया टूटेगी नहीं। यहाँ पर आप ब्रेड क्रम्स या फिर चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए मिक्सर में पीसने के बाद इस तरह का बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने डाला है नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 चुटकी हींग। यहाँ पर मैं सूखी मेथी डाल रही हूँ, ये मैंने सुखा कर रखी थी घर पर। यदि आपके पास कसूरी मेथी अवेलेबल हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मिक्सर लेंगे हाथों में और उसको इस तरह से टिकिया का शेप देंगे। इस तरह से सारी टिकिया बनाकर तैयार कर लेंगे। पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें टिकिया फ्राई होने के लिए डाल देंगे। देखिए हमने टिकिया फ्राई होने के लिए डाल दी है। पहले 1-2 मिनट तो इन्हें इसी तरह से नीचे की साइड फ्राई होने देंगे, इन्हें हमें बिल्कुल भी पलटना नहीं है। अब 1-2 मिनट के बाद हम इन्हें थोड़ा सा पलट देंगे। ये थोड़ी सी ब्राउन हो गई है नीचे की साइड से, देखिए इस तरह से पलट देंगे हम इन्हें। हमें लो मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए हमारी टिकिया दोनों साइड अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमारी टिकिया तैयार है। इसे हम ऐसे ही चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर चाट बनाकर भी सर्व कर सकते हैं।